शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। और दोस्तों, अब हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, यानी कि हम सभी अब पहुंच चुके हैं नरवर। नरवर में ये प्रसिद्ध मंदिर, माता लोड़ी मैया का ये मंदिर, और लोड़ी मैया के दर्शन आप सभी ग्वालियर वासियों को, सभी चंबल संभाग वासियों को आपको दर्शन कराऊंगा। ग्वालियर ये नरवर की प्रसिद्ध देवी लोड़ी मैया के धाम पर हम पहुँच चुके हैं, और चलिए अब अंदर लेकर चलता हूँ। और बहुत ही शानदार यहाँ पे साज सज्जा की गई है। अभी रात का वक्त है, पट बंद हो चुके हैं, पर आपको कोशिश करेंगे कि आप दर्शन करें। कुछ वीडियो हैं मंदिर कमेटी के पास, तो उस वीडियो के माध्यम से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मंदिर की साज सज्जा दिखाता हूँ, और मंदिर के जो कमेटी के लोग हैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, और जो कहानी है मैया की वो कहानी आपको सुनाता हूँ। मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूँ, चलिए आपको दर्शन कराता हूँ माता के। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं माँ का, ये द्वार अभी पट बंद हो चुके हैं, पर आपको दर्शन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं ये फ़ोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। माँ लोड़ी मैया के आप दर्शन कर रहे हैं, और लगभग 7:45 बजे यहाँ पर पट बंद हो जाते हैं शाम को, और सुबह 7 बजे पट खुल जाते हैं। तो सुबह 7 बजे से लेकर 7:45 बजे तक पट खुले रहते हैं, और 7:45 बजे के बाद पट बंद हो जाते हैं। तो अगर आप आते हैं मंदिर पर तो ठीक 7 बजे से लेकर और 7:45 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं, और जहां तक कोशिश हो आप जल्दी निकलिए घर से और जल्द से जल्द पहुँच कर माँ के दर्शन कीजिए, और माँ आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी। और चलिए अब माँ की कहानी, माँ की कथा आपको सुनाते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ में भगत जी, ब्रजेश पांडे, लाला जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भगत जी, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जो भी दर्शक देख रहे हैं ग्वालियर मेला महोत्सव चैनल पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और दूर दराज बैठे माँ के भक्त, और जो नई पीढ़ी है, माँ की जो कथा है, जो कहानी है, वो हम आपके मुख से जानना चाहेंगे। देखो, ऐसा है कि नगरी राजा नल की नगरी है, बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है लोड़ी माता की, और राजा नल थे जो यहाँ के किले, उनको प्राचीन किला है यहाँ पर नरवर्ग में, तो उस समय से पूजा हो रही है। पहले क्या है कि थोड़े लोग आते थे, ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अब माता सब लोगों को भला भला कर रही, इसलिए ज़्यादा प्राचीन उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। और मेरा मानना यह है कि जो भी यहाँ आता है दर्शनार्थी, उसकी हर इच्छा मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ 4 महीने मेला लगता है, अगैन, माह, बैसाख, आषाढ़, और दोनों नवदुर्गा, चैत और कुंवार के, तो इस टाइम में बहुत भारी मेला रहता है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है माता मैया लोड़ी माता। और राजा नल से उस टाइम उनकी कुछ शर्त लगी थी लोड़ी माता की, कि अगर मैं कच्चे धागे से इधर नच के आ जाऊंगी तो मुझे आधा राजपाट मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, उधर उस पहाड़ी से धागा बांधा था इस किले पर, तो कच्चे धागा पर, हाँ, वहाँ से वाली पहाड़ी से बांधा था नरवर किले पर, तो उस पर वो जादूगरनी थी नटनी, तो उनने सारे हथियार बांध दिए थे, और एक बदकिस्मती से शायद वो चमार की जो रांपी होती वो रह गई थी, तो सारे लोगों ने ट्राई किया, वो नहीं कटा धागा, और नचते नचते माता मैया यहाँ तक आ गई थी। तो उसने वो गया राजा के, हाँ मैं साहब मैं भी देखूँ, तो उन्हें भी देख ले, नहीं मेरा राजा तो आ जा, राजा बजा राजा राज, तो वह ठीक है। तो उसने लगाई, जैसे ही वो गिर गई, तो यहाँ से जब से वो गिरी हैं तो यहाँ पे पहले छोटा सा मंदिर था, एक चबूतरा था, पहले कम लोग आते थे, धीरे धीरे माता का वो बड़ा प्रभाव, तो बहुत से लोग आने लगे, मंदिर बन गया, ट्रस्ट कमेटी बन गई, और यहाँ की जो लोड़ी माता की ट्रस्ट कमेटी है बहुत ही अच्छी है,
और यहाँ के सारे रख रखाव देखती है वो, और श्रद्धालुओं को कोई भी बात की कमी पेशी नहीं आती। यहाँ नहाने के लिए, सोने के लिए कपड़े वगैरह सब कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पर श्रद्धालु रात में रुक सकते हैं। पहले जंगल था तो लोग डरते थे, अब बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, कैमरा की निगरानी है, कोई लूटपाट की कोई बात नहीं है, सारी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा में सारी प्रत्येक श्रद्धालु पर नज़र रखी जाती है, और किसी की कोई परेशानी है तो उसको भी सॉल्व किया जाता है यहाँ से। मतलब कोई का पैसा वैसा कम मर जाए या चला जाए तो उसको उसके घर तक गंतव्य तक भेजाया जाए, मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी से भेजाते हैं, जिम्मेदारी से पहुँचाते हैं। बोलो लोहड़ी मैया की जय। तो अगर आप भी आते हैं तो ग्वालियर से महज 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की दूरी पर है नरवर। नरवर की महारानी और नरवर की मैया, लोहड़ी मैया सभी पर कृपा बरसाती हैं। अगर आपकी जो भी मनोकामना है तो मांग लीजिए, कार्यक्रम के माध्यम से आपकी मनोकामना पूरी करेंगी माता लोहड़ी मैया। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जोरा से आए हुए हैं। आप लोग जोरा से आए हुए हैं, तो कितने लोग आए हो? पूरे फैमिली मेंबर? हाँ, फैमिली मेंबर सभी। सभी फैमिली मेंबर? हाँ, सभी लोग आए हैं। तो कौन कौन आया है फैमिली में? मम्मी पापा, मेरी वाइफ है साथ में। अच्छा, सभी लोग आए हुए हैं। हाँ। दूर दराज से लोग आते हैं, पूरी फैमिली के साथ आते हैं और माँ के दर्शन पाते हैं। ये अनेजा मॉल ग्वालियर का ये नंबर वन मॉल है, मोर बाजार अनेजा मॉल से एक आपके लिए और एक आपके लिए सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। अगर आपका मोबाइल कभी ख़राब हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जो कोई नहीं सुधार पा रहा हो, तो टोपी बाजार में स्थित है सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से एक आपके लिए। माता और सभी फैमिली मेंबर यहां पर मौजूद हैं और माता का कोई भेंट अगर आप सुना सकते हैं तो हमारी माता जी भी यहां पर मौजूद हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? लोहड़ी मैया की सरकार बुलाए लाई से दुनिया, लोहड़ी मैया बोल सच्चे दरबार की जय। आप लोग ग्वालियर से आए हुए? ग्वालियर में कहाँ से? अच्छा, गोले के मंदिर से आए हुए। चलिए, आपके लिए भी कुछ ना कुछ उपहार है। बोले राजा नाला ते परे नालो पी चो ना छोड़े लोड़ी मैया दो I need।
एक आपके लिए है अनेजा मॉल की ओर से, एक माताजी एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, और एक माताजी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, और एक आपके लिए है अनेजा मॉल से, और एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से, और माताजी एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर से, और एक आपके लिए गुड़िया। ये माता का प्रसाद और ये फरारी नमकीन सुनील मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर से, और माताजी एक आपके लिए भी है अनेजा मॉल ग्वालियर से। बोलो लोड़ी मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। Thank you.
अरे नहीं, वो कल चैनल वाले आए थे।